हेलो व्यूअर, सर श्री अकाल, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल न्यूजी पॉइंट पर। आज भी यूट्यूब कम्युनिटी की बहुत सारी खतरनाक स्टोरीज लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के खुलासे होंगे। सो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे थाराबाई जोगिंदर वर्सेस मिथपैट की। मिथपैट ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर थाराबाई जोगिंदर की कुछ फ़नी फ़ोटोज़ बनाकर उनके साथ टैग करी थी, तो उसी से रिलेटेड वो नाराज़ हो गए थे। उसी का रिप्लाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया था कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। तो फाइनली उन्होंने वो चीज़ तैयार कर ली है मिथपैट को। उन्होंने फिर से एक मैसेज देते हुए अपने इंस्टा स्टोरी पर क्या कहा, आइए देखते हैं। थाराबाई जोगिंदर ने स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा, मैं चाहता तो इसका रिप्लाई उसी दिन कर देता, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि किसी के लिए वो 2-3 दिन के पल कितने खास थे। चल अब तेरे को गिफ्ट देता हूँ शादी की, जो तू हमेशा याद रखेगा। तो इसी से पता चलता है कि कोई तगड़ा बवाल होने वाला है मिथपैट और थाराबाई जोगिंदर के बीच में। तो इसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलता है तो आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इसका अपडेट ज़रूर मिलेगा। और इसी के साथ आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। जैसे कि आप लोगों ने मैच देखा ही होगा कि कल का दिन सबके लिए बहुत ही खास था, सब लोगों का दिल बाहर आ रहा था। और फाइनली मेसी ने लास्ट में जो गोल करते हुए 2022 का कप अपने नाम कर लिया। छोटी सी क्लिप्स हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेसी ने कितने शानदारी से गोल करते हुए वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम कर लिया। उसी से रिलेटेड उन्होंने अपने लियो मेसी ने कल अपने कैप्शन में मैसेज करते हुए अपने पूरी फैंस को, अपने पूरी टीम को, अपने फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू कहा। और उन्होंने फाइनली बताया कि मेरा सपना फाइनली पूरा हो गया। बहुत खुश हुए वो उसी चीज़ को लेकर। और इसी के साथ अपने इंडिया के यूट्यूबर्स का पूरी मैच को लेकर और मैच के फाइनल गोल को लेकर क्या रिएक्शन था, जब मेसी ने फाइनल गोल किया तो उसके बाद अपने यूट्यूबर्स का कैसे रिएक्शन था, आइए देखते हैं। ब्रो बड़ा मैच यार भाई, क्या क्रेजी मैच था। लेकिन देखो मेसी गोटेड है, ठीक है, सबको पता है, लेजेंड, ठीक है। लेकिन एमबापे, ओ माय फ्रिकिंग गॉड डूड, भाई मैं बता रहा हूँ भाई, द न्यू सुपरस्टार, मजा आ गया भाई मेरे को उसको देख के, ठीक है। टिका वाओ मैन यार भाई, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मेरे को कैसा फील करना चाहिए। मेरे को अच्छा लग रहा है मेसी के लिए, बट एमबापे, ओ माय गॉड यार, मत शीश। Come on, come on, come on, come on! Yes! Yes! Jit gaye! Let's go, bhai! Yes! Oh, bhai! तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अपने यूट्यूबर्स का कैसा रिएक्शन था, खतरनाक वाला। और इसी के साथ ट्रिगर्ड इंसान ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए, अर्जेंटीना मेसी द डेस्टिनी हैज़ बीन फुलफिल द गोट
एस ऑन दिस डे द वर्ल्ड विल कैन नाउ अबाउट अ न्यू स्टार माँ बाप है टेक अबाउट। इसी के साथ अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दोनों देशों के टीम को संबोधित करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए कहा, दिस विल बी रिकमेंडेड एस वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग फुटबॉल मैच, कांग्रेस टू अर्जेंटीना टू बिकम फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन, दे वी प्लेड ब्रिलियंटली द टूर्नामेंट, मिलियंस ऑफ इंडियन फैंस ऑफ अर्जेंटीना एंड मेसी रिजोसिक इन द मैग्निफाइंड विक्ट्री। इसी के साथ मोदी जी ने एक और ट्वीट करते हुए फ्रांस की टीम के बारे में भी क्या कहा, आइए ट्वीट देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फ्रांस फॉर अ स्प्राइट परफॉर्मेंस इन द फीफा वर्ल्ड कप, दे ऑल्सो डिफाइंडेड फुटबॉल्स फैंस विद द थ्रेयर स्किल एंड स्पॉटमैनशिप ऑन द वे टू द फाइनल्स। ट्वीट को प्रोनाउंसिएशन में अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरे व्यूवर्स का कल के टूर्नामेंट को लेकर क्या ओपिनियन रहेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे रुचित्रों की, जिन्होंने रिसेंटली अपना इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट डालकर अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को बताया कि वो आज करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम वो भी। और इसी से रिलेटेड रुचित्रों ने अपने इंस्टा स्टोरी पर वीडियो भी डाली है, आइए देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है। What's up everybody? So, आज मैं सुबह उठा और मेरे दिमाग में आया है एक बहुत क्रेजी सा आइडिया। तो मतलब कुछ ऐसा क्रेजी नहीं है, बस ये कह रहा हूँ कि मैं अपने लाइफ में पहली बार करने वाला हूँ 10 घंटे की स्ट्रीम। यस एवरी लुक एट दिस गाइस, मैंने स्ट्रीम लगा दी है स्केड्यूल पे जस्ट अभी एंड ये स्टार्ट होगी 22 मिनट में और ये होने वाली है 10 घंटे की स्ट्रीम। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मेरा मन किया आज के दिन मेरे को 10 घंटे की स्ट्रीम करनी है, तो ये आज मेरी एक्चुअली में ऐसी हालत हो जाएगी, लेट्स गो। और ऊपर से आज की इस स्ट्रीम में हम बहुत स्पेशल चीजें करेंगे, मैं बताता हूँ क्या स्पेशल है। मैंने एक डिब्बा मंगाया था, ठीक है, ये 80,000 का है, लुक एट दिस वन, दिस ओ मेरा एड्रेस ना दिख जाए बस। तो ये जो डिब्बा है ना, ये चाइना से आया है और ये 80,000 का है, इसमें एक स्पेशल चीज है जो कि मैं अनबॉक्स करूंगा लाइव स्ट्रीम पे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि रुचित्रों ने आज स्ट्रीम कंप्लीट कर ली होगी, तो स्ट्रीम लाइव में आप अटेंड की होगी, तो आपको स्ट्रीम कैसी लगी और वो 80,000 के बॉक्स में क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे अल्वेश यादव की। अल्वेश यादव ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करी है भूत मोहल्ला, तो उसी के अपडेट के बारे में लोगों को सतर्क करते हुए उन्होंने क्या अपडेट दिया, आइए देखते हैं। और भाई एक रिक्वेस्ट है पब्लिक से, वीडियो को रात को मत देखना यार, खासकर छोटे बच्चे, समझ गया ना, थोड़ी डरावनी सी है, सदमा भी बैठ सके, तो वीडियो मत देखना। यूट्यूब ने शायद इसी वजह से मेरी डिमोनेटाइज करी थी, बट दिन में देख लेना, विद फैमिली देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है, मतलब फैमिली बढ़िया, कोई गाली गलोच नहीं है, पर दिन में ट्राई करना, रात को जिसका दिल मजबूत है भाई, दिल वही देखना है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि वीडियो बहुत ही हंटेड होने वाली है, तो कृपया छोटे बच्चे थोड़ा ध्यान रखें, फैमिली मेंबर्स के साथ देखें, अकेले इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि जिस तरीके से अल्वेश यादव ने बताया कि वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, और आप लोगों ने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो वीडियो आपको कैसी लगी, कैस कितनी हंटेड है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की स्टोरी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नई स्टोरीज नए अपडेट्स के साथ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।